व्यापारी सेंटा का प्रपोजल लेकर सांसद के घर पहुंचे और सीलिंग पर अध्यादेश लाने की मांग की। आम आदमी पार्टी सीलिंग पर बीजेपी को घेरने में जुटी है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी सांसद सीलिंग से व्यापारियों को राहत दिलाने में नाकाम हो रहे हैं। उत्तराखंड में भयानक तबाही के बीच बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने दिया है बेहद आपत्तिजनक बयान। चरित्र, चेहरा और चलन कांग्रेस पार्टी का दिखाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है कि वो कितना रुपी के माफिक गिर सकते हैं। जैसे रुपी की वैल्यू इंटरनेशनली गिर रही है, वैसे वो भी चरित्र में और तमाम चीजों में गिरते चले जा रहे हैं। जहां तक फेकू की सवाल है, इस देश की जनता का समय आ गया है कांग्रेस सरकार को फेंकने का, और वो जवाब अभी तो प्रलय ईश्वर ने दी है ना, अब जनता जो है कांग्रेस पार्टी को उठा के फेंकने वाली है। राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है, लोग पार्लियामेंट के लिए चुनाव के लिए वोट दे रहे हैं, तो हमारा मुकाबला सीधे सीधे भाजपा से है और लोग भाजपा से और भाजपा के एक्स एमपी से सबसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, दुखी हैं, और खुद भाजपा ये मानती है, इसलिए भाजपा ने फर्स्ट राउंड के अंदर इनका कैंडिडेट हमारे अगेंस्ट अनाउंस नहीं कर पाए। आज दिल्ली में जो सबसे बड़े जो दो मुद्दे हैं, एक सीलिंग का मुद्दा है जिनको ये लोग जो है डील करने में, टैकल करने में पूर्णतः विफल रहे हैं। ये सीलिंग के ऑर्डर 2006 के हैं, हमने मास्टर प्लान में लगातार अमेंड करके, हमने मास्टर प्लान के अंदर नया मास्टर प्लान बना करके, हमने सरकार के माध्यम से अध्यादेश ला करके, मैं खुद शहरी विकास मंत्री था, हमने दिल्ली के अंदर सीलिंग नहीं होने दी। और अब सीलिंग क्यों हो रही है? मायापुरी में जिस तरीके से व्यापारियों की पिटाई हुई है वो सब लोगों ने देखा है, रोंगटे खड़े करने वाले कार्य हुए हैं। और फिर सरकारी कर्मचारी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में है, जो सरकारी कर्मचारी बहुत नाराज हैं, सातवें वेतन आयोग से जो उनका धोखा हुआ है उनके साथ, उसको हम लोग ठीक करेंगे और सरकारी कर्मचारियों को भी हम न्याय दिलाएंगे। ये दो मुद्दे हैं, व्यापारी और सरकारी कर्मचारी। तो कल जो तालकटोरा स्टेडियम में व्यापारी सम्मेलन हुआ, उसके अंदर में दिल्ली के व्यापारियों को रेगरपुरा, बीडनपुरा, अमर कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी, ग्रीन पार्क, होज खास, मानसरोवर गार्डन, मेहरसन मार्केट, टोडापुर, मोतियागंज, मोतिया खान, पहाड़गंज, इन तमाम बाजारों के व्यापारियों को बुलाया गया और उनको कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी सीलिंग के मुद्दे पे प्रकाश डालेंगे और जो 20,000 दुकानें सील पड़ी हैं उसको लेके शायद कोई आश्वासन देंगे। तो कल वहाँ पे तमाम बाजारों के व्यापारी पहुंचे, काफी व्यापारी पहुंचे वहाँ पे, उनको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी शायद कोई प्रकाश डालेंगे सीलिंग के मुद्दे पे, कुछ कहेंगे, कोई आश्वासन देंगे। लेकिन कल जिस तरह से तालकटोरा स्टेडियम में एक शब्द भी ना बीजेपी के सातों सांसदों में से किसी ने बोला, ना प्रदेश अध्यक्ष ने बोला, ना प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला, और इस कार्यक्रम के संयोजक विजय गोयल जी ने एक शब्द भी इन लोगों ने सीलिंग के मुद्दे पे नहीं रखा।